हेलो गाइस, मैं सुषमा समीक्षा अग्रवाल। वेलकम यू टू कोड फ्रीक्स, अ चैनल मेड फॉर यू मेड बाय यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज के जीएफजी की प्रॉब्लम का नाम है अल्टरनेट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को एक स्ट्रिंग दी भी होगी, अपने को इस स्ट्रिंग को अल्टरनेट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट फॉर्म में अरेंज करना है और उसी अरेंज स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अपन इसको एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास क्या है, ये मिसिसिपी वाला। तो मिसिसिपी को अपन को ऑल्टरनेट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो अपन वोवल्स एक साइड लिख लेते हैं। तो अपने वोवल्स कितने हैं, चार आईज हैं अपने वोवल्स। और कॉन्सोनेंट्स क्या है अपने पास, कॉन्सोनेंट्स में है अपने पास एम, फिर डबल एस, फिर वापस डबल एस और फिर डबल पी। ठीक है, तो अपने पास वॉवल्स कितने हैं, अपने पास वॉवल्स हैं चार और अपने पास कॉन्सनेंट्स हैं चार पाँच छः सात, सात कॉन्सनेंट्स हैं अपने पास। तो क्या अपन चार वॉवल्स और सात कॉन्सनेंट्स की मदद से ऑल्टरनेट वॉवल्स और कॉन्सनेंट्स वाली स्ट्रिंग बना सकते हैं क्या, एक बार अपन ये देख लेते हैं। तो अगर अपन कॉन्सनेंट से भी स्टार्ट करें, ये लेट सपोज अपन एम लें, उसके बाद आई लगाए, उसके बाद एस, फिर वापस आई, फिर एस, फिर आई, फिर एस, फिर आई एंड देन एस। तो भी अपने सिर्फ मतलब अपन ने कितने आईज यूज कर लिए, मतलब अपने चारों आईज यूज हो चुके हैं, चारों वॉवल्स अपने एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अपने कॉन्सनेंट्स कितने आए, अपने कॉन्सनेंट्स सिर्फ पांच ही यूज हुए हैं अभी तक। तो फिर अपने को क्या पता चला कि अगर अपने पास सिर्फ चार वॉवल्स हैं, सिर्फ चार वॉवल्स हैं, तो अपन कॉन्सनेंट्स एट मैक्स कितने यूज कर सकते हैं, अपने पास अपन सिर्फ चार पांच कॉन्सनेंट्स एट मैक्स यूज कर सकते हैं। और वाइस वर्सा भी ऑपोजिट केस भी ट्रू होगा कि अगर अपने पास सिर्फ चार कॉन्सनेंट्स हैं तो अपन एट मैक्स पांच वोवल्स ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपने को इस कॉन्सनेंट्स वाली स्ट्रिंग को भी पूरा करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को डबल पी इधर अटैच करना पड़ेगा। डबल पी अगर अपन ने इधर अटैच किया तो क्या अपनी स्ट्रिंग पूरी ऑल्टरनेट और वोवल कॉन्सनेंट्स में अरेंज हो चुकी है क्या, नहीं हो अरेंज हुई है। ये वाली जो तीन लेटर्स हैं ये इस रूल को ब्रेक कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन -1 रिटर्न कर देंगे कि अपन इस स्ट्रिंग को कभी भी ऑल्टरनेट वॉवल्स एंड कॉन्सनेंट्स में अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अपने को क्या रूल पता चला कि वॉवल्स माइनस कॉन्सनेंट या कॉन्सनेंट माइनस वॉवल कभी भी ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस मोर देन 1 आता है, तो अपन क्या करेंगे, अपन -1 को रिटर्न कर देंगे। एक रूल अपने को ये पता चल गया। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं अपन आंसर। तो अगर अपन ने मिसिसिपी वाली स्ट्रिंग ली तो द आंसर है -1। ठीक है, तो ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया। और एक बार ये एयरप्लेन वाला एग्जांपल भी अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर वॉवल्स क्या क्या है, वॉवल्स है अपने ए, ई, ओ, ए, ई। और कॉन्सनेंट्स अपने क्या क्या हैं, कॉन्सनेंट्स हैं अपने आर, पी, एल एंड। अपने वॉवल्स कितने हैं, अपने वॉवल्स हैं पांच और अपने कॉन्सनेंट्स कितने हैं, अपने कॉन्सनेंट्स हैं चार। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर अपने पास वॉवल्स ज्यादा है तो अपन सबसे पहले वॉवल्स से स्टार्ट करेंगे और अपना डिफरेंस भी 1 है तो अपन इसको अरेंज कर सकते हैं ऑल्टरनेट वॉवल्स में। लेकिन अगर ऐसा होता कि अपने कॉन्सनेंट्स भी पांच होते हैं, कि लेट सपोज पांच कॉन्सनेंट्स हैं अपने पास, तो अपन इस कंफ्यूजन में होते हैं कि अपन वोवल से स्टार्ट करें कि कॉन्सनेंट से स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को, इस डिलेमा को दूर करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि अपने को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल चाहिए। ठीक है, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसका फर्स्ट लेटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब जो अपनी पूरी स्ट्रिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होनी चाहिए, कि अपने सबसे छोटे कैरेक्टर से लेकर सबसे बड़े कैरेक्टर तक जाए तो वो अपनी लेक्सोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग होती है। तो इस केस में अगर अपना डबल एन है तो अगर अपना ए आ रहा है वॉवल्स में, अगर अपना ए आ रहा है तो दो तो अपन वॉवल्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट वॉवल होता है, सबसे पहले आता है अल्फाबेट्स में। ठीक है, और अगर ए नहीं होता लेट सपोज, और अगर अपने कॉन्सनेंट्स वाली स्ट्रिंग में बी सी या डी आ रहे होते हैं, ठीक है बी आ रहा होता है लेट सपोज, तो अपन बी से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो अपन सी से या डी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट कॉन्सनेंट है, स्मॉलेस्ट वॉवल है वो ई है, और ई से पहले बी सी डी आ जाते हैं जो स्मॉलेस्ट कॉन्सनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन उनसे स्टार्ट करते हैं, बट अपने पास अभी ऐसा कोई केस नहीं है, अपने पास ए बी है।
ठीक है, तो अपन ए से स्टार्ट करेंगे, और अपने पास डबल एन भी नहीं है, अपने पास सिर्फ एक एन है, तो अपने पास कॉन्सोनेंट्स हैं चार। ठीक है, तो अपन वोवल से स्टार्ट करेंगे, अपन ए को यूज़ कर लेंगे, ए को अपन ने यूज़ कर लिया। उसके बाद स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट क्या होता है, एल होता है, एल है अपने पास। उसके बाद अपना स्मॉलेस्ट वोवल कौन सा है, फिर से ए आ रहा है अपने पास, तो अपन फिर से ए को यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा एन पहले, तो अपन एन को यूज़ करेंगे, फिर ई को यूज़ करेंगे, फिर अपना पी आता है तो पी को यूज़ करेंगे, फिर ई को यूज़ करेंगे, फिर आर आएगा और फिर ओ आएगा। तो ये अपनी स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हुई। ठीक है, एक बार अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ए एल ए एन ई पी ई आर ओ, और एरोप्लेन वाली स्ट्रिंग में क्या है, ए एल ए पी ई एन ई पी ई आर ओ। ठीक है, तो अपना आंसर एकदम सही है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए भी जो अपना फर्स्ट स्टेप है, जो अपने को जानना होता है कि फर्स्ट एंड कंडीशन क्या है, वो अपन ने जान ली कि कॉन्सोनेंट और वोवल का जो डिफरेंस है, मतलब उनके काउंट में जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन वन हुआ, तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे कि अपने को पॉसिबल ही नहीं है अपनी ऑल्टरनेट वोवल कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग बनाना। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होल्ड करती है कि वोवल और कॉन्सोनेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ वन है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को मालूम है कि अपने को पोजीशन से मतलब है, क्योंकि अपने को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनानी है, तो अपने को सबसे जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा, जो सबसे पहले आएगा, उसको ही सबसे पहले यूज करना है। ठीक है, तो अपन वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को सिंपली एक वेक्टर में स्टोर करने से बढ़िया क्या, अपन उसकी पोजिशंस को स्टोर कर लेंगे। लेट सपोज अपन ने वोवल वाला वेक्टर बनाया, तो उसके अंदर क्या अपन 26 स्पेसेस ले आएंगे, 26 स्पेसेस ले आएंगे, 26 वोवल्स को स्टोर करने के लिए, मतलब 5 वोवल्स ही होते हैं लेकिन उनको उनकी पोजिशंस पे स्टोर करने के लिए। तो लेट सपोज अगर जो फर्स्ट पोजिशन है वो इसको डिनोट करेगी फर्स्ट अल्फाबेट, मतलब ए को। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पोजिशन बी को स्टोर करेगी, लेकिन बी अपना वॉवल नहीं होता, इसलिए बी सी, मतलब जो भी सारे जो वॉवल्स नहीं होते ना, मतलब जो कॉन्सनेंट्स वाली स्पेसेस होती है वो एम्प्टी रहेगी और सिर्फ वॉवल्स वाली ही भरेंगी। ठीक है, तो इनिशियली तो अपन बोलेंगे कि सब में जीरो स्टोर्ड है। ठीक है, सारी प्लेसेस पे जीरो स्टोर्ड है कि कोई से किसी की भी फ्रीक्वेंसी अपने पास आ नहीं रही। अब अपने पास ए आया, ठीक है, सबसे पहले एयरप्लेन में ए आया, तो अब अपन देखेंगे कि क्या ए जो है वो वोवल है क्या। अब अपने को मालूम है कि ए वोवल है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए में से ए को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो अपन जीरो पोजीशन पे प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जीरो पोजीशन पे अपन 1 स्टोर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनिशियली सब में जीरो स्टोर था। ठीक है, फिर ई आया, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ए में से ई को माइनस किया, ए में से अपन ने ई को माइनस किया, तो अपना कितना आएगा, 5। तो अपन क्या करेंगे, 5th पोजीशन पे प्लस प्लस कर देंगे, तो अपने 2, 3, 4 और 5, 5th पोजीशन पे अपन 1 स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, फिर आर अपना कॉन्सनेंट होता है, फिर ओ आया अपना। ठीक है, तो ओ कौन सा लेटर होता है, ए बी सी डी, लेट सपोज कुछ भी अपन ले लेते हैं कि ए माइनस, अगर अपन ओ सॉरी ओ माइनस आएगा इधर, मतलब अपन उसको माइनस कर रहे हैं, तो ई माइनस ए आएगा, ई माइनस ए अपना 5 होगा, और ओ माइनस ए अपना कितना होगा, लेट सपोज जो भी उसकी पोजिशन होती है, अगर अपन ने 10 अज्यूम कर ली, तो 10th पोजिशन लेट सपोज की डैश डैश डैश, जो 10th पोजीशन है वो ये है, तो 10th पोजीशन पे अपन प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली वापस ए आया, तो अपन ने ए माइनस ए किया, वो जीरो आया, तो अपन जीरो पोजीशन पे प्लस प्लस कर देंगे, जीरो पोजीशन पे अपना 2 आ जाएगा। सिमिलरली ई की जो 5th पोजीशन होती है उसके ऊपर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और अपन इसके साथ साथ वोवल्स का काउंट भी लेते रहेंगे कि वोवल्स का काउंट अपना क्या है। ठीक है, जैसे अपना वोवल एनकाउंटर होगा, अपन एक कोई भी वोवल नाम का वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर 5 स्टोर कर लेते हैं कि अपने पास 5 वोवल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अपन एक कॉन्सनेंट्स नाम की वेक्टर भी बनाएंगे और उसके अंदर सारे कॉन्सनेंट्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे, सारे कॉन्सनेंट्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे। लेट सपोज आर जो है, आर की फ्रीक्वेंसी होती है 11, लेट सपोज, मतलब होती नहीं है बट फिर भी अपन मान लेते हैं कि 11 होती है, 11 कुछ इधर आता है, तो अपन 11th पोजिशन पे 1 कर देंगे। फिर पी जो होता है, पी क्या होता है, पी आर से पहले आता है, तो लेट सपोज इधर आता है पी, तो अपन पी की फ्रीक्वेंसी को 1 कर लेते हैं, मैं आपको
मार्क कर देती हूँ कि पी अपन ने अज्यूम किया है, ये आर अज्यूम किया है, फिर आता है एल। तो एल अपना सबसे पहले आता है, तो अपन लेट सपोज इधर अपना एल आता है, तो एल पे अपन वन कर देंगे, और फिर एन जो है अपना एन आता है लास्ट, नहीं लास्ट में नहीं आता, सेकेंड में आता है, ठीक है। तो सेकेंड में अपन एन को स्टोर कर लेंगे, तो अपना इधर एन स्टोर हो गया, ये एल वाली जगह थी, ये एन वाली जगह है, ठीक है। तो अपना कॉन्सनेंट आ गया, अब अपन क्या करेंगे, वोवल्स को पूरी स्ट्रिंग के साइज से माइनस करके देखेंगे कि अपने कॉन्सनेंट्स कितने आ रहे हैं। अपने कॉन्सनेंट्स आ रहे हैं चार, तो अपन ने सबसे पहले तो कॉन्सनेंट्स और वोवल्स का डिफरेंस देखा कि क्या अपन ऑल्टरनेट वोवल कॉन्सनेंट स्ट्रिंग बना पा रहे हैं। तो हाँ अपन बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो सिर्फ वन अप है, ठीक है। फिर अपन क्या चेक करेंगे कि अगर अपना वोवल बड़ा है, मतलब वोवल्स पांच है, तो ऑब्वियसली अपना वोवल बड़ा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन को वोवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपने कॉन्सनेंट्स बड़े होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि कॉन्सनेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर दोनों सेम होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि जो लेटर पहले आ रहा है, जैसे अगर ए जो है वो ए पहले आता है और ए के ऊपर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ए से स्टार्ट करेंगे, और अगर ए नहीं आ रहा और अपनी कॉन्सनेंट वाली स्ट्रिंग में पहले आ रहे, मतलब बी सी डी ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो अपन उससे स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी वोवल्स पहले आ रहे तो अपन क्या करेंगे, ऑड पोजिशंस पे वोवल्स को रखेंगे। अपन ने अपनी स्ट्रिंग को इटरेट करना चालू किया, मतलब स्ट्रिंग की साइज से इटरेट करना चालू किया। अपने पास लेट सपोज मैं इधर लिखी देती हूँ ए आर ई ओ पी एल ए एन ई, तो अपन ने स्ट्रिंग की पोजीशन से ट्रेड करना चालू किया, तो अपना आई आया यहाँ पे, आई इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। तो अपन अपनी पोजीशन इवन है, तो अपन इवन पोजीशन पे, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे वॉवल को रखेंगे, ठीक है। तो वॉवल जो है वो अपना स्टार्टिंग पोजीशन पे आया, अब अपन देखेंगे कि क्या कौन सी पोजीशन पे अपना जीरो नहीं आ रहा है, तो अपनी फर्स्ट पोजीशन पे ही जीरो नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे जीरो प्लस ए करेंगे, ठीक है। मतलब जिस भी पोजीशन पे जीरो मतलब आंसर जीरो नहीं आ रहा है, उस वाली पोजीशन को अपन ए के साथ ऐड करेंगे, तो अपन को उस पोजीशन पे जो भी वोवल या कॉन्सनेंट स्टोर था वो मिल जाएगा। तो अपना ए मिला अपने को, तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे ए को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब अपनी आई प्लस प्लस होके हो गया है वन, मतलब अपन फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पे अपने को क्या, मतलब और पोजीशन पे अपने को कॉन्सनेंट स्टोर करना है, तो अपन कॉन्सनेंट्स वाली स्ट्रिंग में इटरेट करेंगे, और जो भी लेटर पहले ऐसा आएगा जो कि जीरो नहीं है, तो अपन क्या करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, कि लेट सपोज अगर एल की जो पोजीशन है वो है नाइन, ठीक है, तो नाइन्थ पोजीशन पे जो है वो वन आया, तो अपन क्या करेंगे नाइन प्लस ए, ठीक है। तो नाइन प्लस ए कितना होगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सेकेंड पोजीशन पे उसको स्टोर कर दो, तो सेकेंड पोजीशन पे अपना एल आ गया। फिर से अपन वोवल वाली स्ट्रिंग में ट्रेड करना चालू करेंगे, तो फिर से मतलब अपन ने अब ए को यूज़ कर लिया था, तो अपन ए को माइनस माइनस करके वन कर देंगे, ठीक है। और इधर अपन ने एल को यूज़ कर लिया था, तो एल की पोजीशन पे माइनस माइनस करके उसको जीरो कर देंगे, ठीक है, कि अपन ने इसको यूज़ कर लिया है। और अपन क्या करेंगे वापस से इधर ट्रेड करना चालू करेंगे, तो वापस से अपने को फर्स्ट पोजिशन पे ही वन मिलेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजिशन पे ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे जीरो प्लस ए करेंगे, मतलब जीरो पोजीशन पे अपने को मिला था, क्योंकि जीरो प्लस ए करेंगे अपने को ए मिलेगा। तो अपन थर्ड पोजीशन, मतलब सेकंड पोजीशन पे जब आई की वैल्यू टू हो गई है, तो क्या करेंगे ए स्टोर कर देंगे। फिर आई की वैल्यू थ्री होगी, तो अपन जीरो कर देंगे कि अपन ने ए को यूज़ कर लिया है। आई की पोजीशन थ्री है, ऑड है, तो अपन कॉन्सनेंट्स को लाएंगे, तो नेक्स्ट कॉन्सनेंट क्या है अपना एन है, तो अपन एन स्टोर कर लेंगे। फिर वापस अपना फोर हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट जो ई है उसको स्टोर करेंगे, ई की पोजीशन पे अपन माइनस माइनस करके वन कर देंगे, और एन की पोजीशन पे अपन कर देंगे जीरो। उसके बाद वापस अपने को किसको कॉन्सनेंट को लेना है ना, तो अपन क्या करेंगे पी को लेंगे, फिर वापस ई को लेंगे, फिर एन आर को लेंगे, सॉरी गाइस, और उसके बाद ओ को लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपनी स्ट्रिंग बन जाएगी, यही अपना सिंपल सा आंसर है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं अपन। हाँ, तो अपन सबसे पहले मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में अपन ने क्या कॉन्सनेंट्स और वॉवल दोनों को इनिशियलाइज कर दिया है। इधर वी फ्रीक्वेंसी की जगह अपन वी ही लिख देते हैं, कि ये अपने वॉवल्स वाली स्ट्रिंग है और ये अपने कॉन्सनेंट्स वाली स्ट्रिंग है। फिर अपन ने एक इंटीजर बनाया वोवल काउंट नाम का, वी काउंट नाम का, और उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया कि अपने इनिशियली जीरो वोवल्स आए हैं। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने अपनी स्ट्रिंग में इटरेट किया,
अपन ने अपनी स्ट्रिंग में इटरेट करके बोला कि अगर अपना जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो ए आया, ई आया, आई आया, ओ आया या यू आया, मतलब कोई भी वोवल आया, तो अपना वोवल काउंट को प्लस प्लस कर दो कि अपना वोवल एनकाउंटर हुआ है, और अपने वोवल वेक्टर की उस पोजीशन पे, मतलब एक्स मतलब वो जो भी कैरेक्टर आएगा उस कैरेक्टर की नंबर पोजीशन पे प्लस प्लस कर दो। मतलब अपन क्या करेंगे, एक्स जो भी अपना नंबर आएगा, लेट सपोज जैसे अपना आई ई आया, ठीक है, तो ई के अंदर से अपन माइनस करेंगे ए को, तो क्या आएगा अपना 5 आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि फिफ्थ पोजीशन पे प्लस प्लस कर दो, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे प्लस प्लस करके क्या हो जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे अपना 1 स्टोर हो जाएगा, मतलब अपने को पता चल जाएगा कि अपना ई स्टोर हो चुका है। और अगर अपना ए आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है तो अपना कॉन्सनेंट है, तो अपन कॉन्सनेंट के उस पोजीशन पे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन एक कॉन्सनेंट काउंट बनाएंगे और अपनी स्ट्रिंग की साइज में से वोवल काउंट को माइनस कर देंगे, तो अपना कॉन्सनेंट काउंट आ जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि क्या अपना वोवल काउंट माइनस कॉन्सनेंट काउंट का जो डिफरेंस है वो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो अपन रिटर्न -1 कर देंगे, कि अपन बना ही नहीं सकते ऑल्टरनेट वोवल कॉन्सनेंट वाली स्ट्रिंग। नहीं तो अपने तीन केसेस थे, तीन केसेस क्या थे कि अगर वोवल बड़ा है तो अपन सबसे पहले वोवल को लिखेंगे, फिर कॉन्सनेंट को लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग में, मतलब अपन स्ट्रिंग को ऐसे चालू करेंगे, ठीक है। अगर अपना कॉन्सनेंट बड़ा है तो सबसे पहले अपन कॉन्सनेंट को लिखेंगे फिर वोवल को लिखेंगे, अपना ये केस था, ठीक है। और थर्ड अपना केस क्या था कि अगर दोनों इक्वल है तो अपन क्या करेंगे, जो लेटर पहले आ रहा है, मतलब लेट सपोज अगर ए है तो ए सबसे पहले आता है तो अपन वोवल से स्टार्ट करेंगे, और अगर कॉन्सनेंट पहले आता है तो कॉन्सनेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तीन अपने केस थे। फर्स्ट केस ये वाला है कि वोवल काउंट बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले वोवल्स को लिखेंगे, इसलिए अपन ने वी फ्रीक्वेंसी को पहले दिया था, मतलब वी को पहले दिया था, उसको उसके बाद सी को दिया एक फंक्शन में, तो वो क्या करेगा अपना सबसे पहले वोवल को लिखेगा, फिर कॉन्सनेंट को लिखेगा, फिर वोवल को लिखेगा, ठीक है, वो ऐसे अरेंज कर देगा। और अगर अपना कॉन्सनेंट पढ़ा तो अपन क्या बोलेंगे कि पहले कॉन्सनेंट को लिखना है, इसलिए अपन ने पहले कॉन्सनेंट पास किया है फिर वोवल पास किया है, ठीक है। और अगर ये दोनों ही केस नहीं, अगर वोवल और कॉन्सनेंट दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि 0 से 26, मतलब पूरे अल्फाबेट्स में अल्फाबेट की साइज तक इटरेट करो और देखो कि कौन सा पहले आ रहा है। कि अगर कॉन्सनेंट जो है, मतलब कॉन्सनेंट के आईथ पोजिशन, मतलब 0 से स्टार्ट करें अपन, मतलब ए से स्टार्ट करें, तो अपन सबसे पहले कॉन्सनेंट के मतलब फर्स्ट लोकेशन पे, मतलब कॉन्सनेंट की एथ वैल्यू पे आएंगे, तो कॉन्सनेंट पे तो ऑब्वियसली ए 0 होगा क्योंकि ए कॉन्सनेंट होता नहीं है। फिर अपन वोवल की ए पे आएंगे कि अगर वोवल वाले सेक्शन में ए अगर पहले आ रहा है, ठीक है, मतलब ए आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे ए से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अपन वापस बी सी डी, मतलब ऐसे कॉन्सनेंट्स में देखेंगे, फिर वापस वोवल में देखेंगे जहाँ पे पहले 1 आ रहा होगा, मतलब जहाँ पे पहले 1 आ रहा है, मतलब क्या, जहाँ पे जो वैल्यू छोटी है अपन उससे स्टार्ट करेंगे। कि अगर अपना लेट सपोज स्ट्रिंग ये है बीड, ठीक है, बीड स्ट्रिंग है, तो अपना क्या दो दो वोवल्स है, दो वोवल्स हैं, दो कॉन्सनेंट्स हैं, कॉन्सनेंट्स अपने क्या है पी और डी, बट अपना कॉन्सनेंट पहले आ रहा है, ठीक है, अपना कॉन्सनेंट सबसे छोटा है, मतलब अपने जो स्ट्रिंग कॉन्सनेंट वाली होगी ना उसके अंदर सबसे पहले अपने को 1 एनकाउंटर होगा, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कॉन्सनेंट से स्टार्ट करेंगे, वोवल से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो यही बता रहा है कि जहाँ पे भी पहले अपने को 1 एनकाउंटर होगा अपन उसी से स्टार्ट करेंगे और दूसरे को बाद में लिखेंगे, ठीक है। सही कर देती हूँ। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि ये जो अरेंजमेंट वाला फंक्शन है ये अपना कर क्या रहा है। तो अरेंजमेंट वाले फंक्शन में क्या हो रहा है कि, तो सेकंड गाइस इसको एक बार इरेज कर दो। हाँ, तो अरेंजमेंट वाले फंक्शन में बेसिकली वो चेक क्या कर रहा है अपने वो दोनों वोवल्स और कॉन्सनेंट्स दोनों से वो इटरेट कर रहा है। अगर उससे उसके पास वोवल पहले आया, मतलब अपने उसका अरेंजमेंट ऐसा है, वोवल कॉन्सनेंट और स्ट्रिंग वाला अरेंजमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो अज्यूम कर लेगा कि वोवल जो है वो ज्यादा बड़े हैं कॉन्सनेंट से, ठीक है, तो वोवल से इटरेट करना चालू करेगा। तो वो क्या करेगा, इवन पोजिशन पे, इवन जो पोजिशन है उसके ऊपर वोवल्स को रखेगा और ऑड पोजिशन पे कॉन्सनेंट्स को रखेगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले इवन पोजिशन आ रही है, मतलब जो जीरो पोजिशन है वो इवन पोजिशन होती है, तो इवन पोजिशन
का एक आया है, तो वो क्या करेगा, एक कोई सा भी लेटर बना लेगा, लेट सपोज पी इक्वल्स टू जीरो, तो वो क्या करेगा, जब तक अपने वोवल वाली स्ट्रिंग में, अपने वोवल वाली वर्टर में इटरेट करेगा, और जब तक जो ए ऑफ पी है, मतलब बी ऑफ पी है, वो जब तक जीरो आ रहा है, ठीक है, तब तक वो क्या करेगा, वी को प्लस प्लस करता, मतलब पी को प्लस प्लस करता जाएगा। अब अपना क्या है, अपना ए आ रहा है अपनी स्ट्रिंग के अंदर, अपने एयरप्लेन वाली स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट पोजिशन है, पी इक्वल्स टू जीरो वाली पोजिशन है, मतलब वी की जीरो जो पोजिशन है उसके ऊपर भी जीरो नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वी की पीथ वाली पोजिशन पे जीरो नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो पीथ वाली पोजिशन पे जो भी स्टोर्ड है ना, मतलब पी जो भी है ना, पी के अंदर अपन क्या करेंगे, मतलब अपना जीरो पोजिशन पे जीरो नहीं आ रहा था, अपन क्या करेंगे, पी के अंदर ए को प्लस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, पी क्या था, जीरो था, तो जीरो के अंदर, मतलब जीरो पोजिशन पे अपना कुछ आया था, अपना जीरो नहीं आया था जीरो पोजिशन पे, तो अपन जीरो प्लस ए करेंगे, तो अपना क्या आएगा, ए आएगा, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट पोजिशन पे ए को रख लेंगे। सिमिलरली अगर अपना फिफ्थ पोजिशन पे जीरो नहीं आता, तो अपने पी की वैल्यू क्या होती, पी की वैल्यू प्लस प्लस हो चुकी होती 5, ठीक है, तो अपन क्या करते, 5 + a करते, तो 5 + a क्या आता, ई आता, तो अपन अपने उस पोजीशन पे ई को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर अपना अरेंजमेंट ऐसा हुआ, मतलब अपन ने कॉन्सनेंट पहले दिया, तो अपना अरेंजमेंट होगा ऐसे, तो सबसे पहले वो कॉन्सनेंट को लेगा, कॉन्सनेंट को इवन पोजिशन पर डालेगा, वोवल्स को ऑड पोजिशन पर डालेगा, ठीक है। ये सिंपल सा फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, अपने स्ट्रिंग की लेंथ तक इटरेट कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है कि जो i डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, मतलब जो इवन पोजिशंस होती हैं उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि अपना जो a वाला था, मतलब a के अंदर क्या स्टोर था, जो भी अपन पहले दे रहे हैं, ठीक है। अगर अपन वोवल वाली स्ट्रिंग को पहले दे रहे हैं, तो वोवल आ जाएगा a a वेक्टर में, ठीक है, और अगर कॉन्सनेंट को अपन पहले दे रहे हैं, तो a वेक्टर में आ जाएगा कॉन्सनेंट, ठीक है। जो भी अपन पहले दे रहे हैं वो उसमें से इटरेट कर रहा है। p इक्वल्स टू 0 था, वो देख रहा है कि अगर ए की, मतलब ए वेक्टर की पी पोजीशन पर अगर जीरो है, तो पी को प्लस प्लस कर दो, और अगर जीरो नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग की उस पोजीशन पर कर देंगे पी प्लस ए, पी प्लस ए करेंगे, तो वो वाला वोवल या कॉन्सनेंट जो भी था वो स्टोर हो जाएगा, और अपन ए पी को माइनस माइनस कर देंगे कि अपन ने वो वाला वोवल या कॉन्सनेंट जो है वो यूज़ कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली जो ऑड पोजिशन है उसके ऊपर भी ये आएगा, यही होगा, मतलब क्यू इक्वल्स टू जीरो ले लिया, क्यू से ट्रेड करेंगे अपन कॉन्सनेंट को, अगर अपना वोवल बड़ा है तो, ठीक है। फिर ऐसे ही करके ये ऑल्टरनेट वोवल एंड कॉन्सनेंट वाली स्ट्रिंग, मतलब अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ऑल्टरनेट वोवल एंड कॉन्सनेंट वाली स्ट्रिंग में अरेंज कर देगा, ठीक है, और अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, होप आपको समझ में आया होगा, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। सॉरी गाइस, हाँ पहला है 17th पोजीशन पे है, 17 पे, 36 पे, इधर सी फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ सी आएगा। एक बार और सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये सबमिट हो रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेड सोल्यूशन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया और वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।